नमस्कार दोस्तों, एनिमल टैक्सोनॉमी की हमारी लेक्चर सीरीज में आज हम तीन फाइलम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम एनिमल टैक्सोनॉमी लेक्चर सीरीज में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी, इसके अलावा हम फाइलम पोरिफेरा, फाइलम सिलेंटेटा, फाइलम टीनोफोरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज और एनिलिडा के बारे में रिविजन मॉड्यूल की तरह डिस्कस करेंगे। लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरे लेक्चर को सुने, साथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रेस्पॉन्स दे विदाउट एनी टिपी टापी, ठीक है? टीपू सुल्तान न बने, बिल्कुल ऑनेस्टली रिप्लाई करें। एंड लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन फर्दर पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लें, ये आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाले हैं लास्ट मोमेंट ऑफ ड्यूरिंग द एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्लेटेलमेंथीज की बात करें तो प्लेटेलमेंथीज का पहला करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये नॉन कोर्डेटा के पहला ऐसा फाइलम है जिसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, कि ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को केवल एक एंगल से दो समान पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उस सिमेट्री को कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लैट वर्म? क्योंकि इनकी बॉडी की डोर्सी वेंट्रल सरफेस, डोर्सी वेंट्रल सरफेस कैसी होती है? फ्लैट, इसलिए इनको फ्लैट वर्म या टैप वर्म भी कहते हैं। इसके अलावा प्लेटी एलमेंथीज और एसके एलमेंथीज की स्टडी को कहते हैं हेलमेंथोलॉजी, हेलीमेंथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ प्लेटी एलमेंथीज एसके एलमेंथीज इज नोन एज द हेलीमेंथोलॉजी। बात करें इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो ये पहले फाइलम है जिनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा अगर इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, अडेसिव ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सकर्स हैं, हुक्स हैं। दिस इज द अडेसिव ऑर्गन ऑफ द प्लेटी हेलमेंथीज। बात करें इनके एपिडर्म की, तो इनके एपिडर्म की एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनके एपिडर्म सिनसाइटियल होती है। कैसी होती है? सिनसाइटियल। सिनसाइटियल मीन्स एपिडर्म इज द मल्टी न्यूक्लेटेड सेल, एपिडर्म हैव द मल्टी न्यूक्लेटेड सेल्स। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एपिडर्म ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज। इसके अलावा इनके कुछ प्लेटी हेलमेंथीज एनिमल्स के अंदर जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, थिक क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है, उसको कहते हैं टैगमेंट। क्या कहते हैं? टैगुमेंट या टैगमेंट कहते हैं। तो टैगुमेंट इज द थिक क्यूटिकल कवरिंग ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज एनिमल्स। इसके अलावा इनका नर्वस सिस्टम का करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि नर्वस सिस्टम की जो शेप है वो कैसी होती है? लैडर शेप होता है। तो लैडर शेप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लेटी हेलमेंथीज। इसके अलावा सिलोम इनके अंदर एब्सेंट होती है। सिलोम की शुरुआत ही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कि एसके एलमेंथीज से सिलोम की शुरुआत होती है। इसके अलावा इनके अंदर स्पेसिफिक फीमेल्स के अंदर वाइट लाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? वाइट लाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर प्लेटी हेलमेंथीज। बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बार बार पूछ पूछ के पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है? फ्लेम सेल या प्रोटोनोक्रिडिया या सोलेनोसाइट्स। तो प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? फ्लेम सेल्स हैं या सोलेनोसाइट हैं या प्रोटोनोक्रिडिया हैं। इसको आप एमटीआर पॉइंट मान सकते हैं, इसको आपको मेमोराइज कर लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है डोगेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। डोगेशिया या प्लेनेरिया भी इसको कहते हैं। प्लेनेरिया के दो करेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखने हैं। पहला करेक्टरिस्टिक फीचर तो आपको याद ही होगा कि इसके अंदर रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा है। यदि आप प्लेनेरिया के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो भी एक नया प्लेन एरिया रीजनरेट हो सकता है। एंड सेकेंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेन एरिया इज कैनाबलिज्म, यानी कि इनके अंदर प्लेन एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक प्लेन एरिया दूसरे प्लेन एरिया को खा जाता है। तो कैनाबलिज्म एंड रीजनरेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लेन एरिया। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द माइक्रोस्टोमा। माइक्रोस्टोमा इज ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज बिकॉज माइक्रोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज द एनिमी ऑफ हाइड्रा। माइक्रोस्टोमा इज द मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द फेशियोला हेपिटिका। फेशियोला हेपिटिका इज ऑल्सो नोन एज द लीवर फ्लूक एंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फेशियोला हेपिटिका इज द पोलियो एम्ब्रियोनी। पोलियो एम्ब्रियोनी प्रेजेंट इन द फेशियोला हेपिटिका। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सिस्टोमा। सिस्टोमा सिस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज द ब्लड फ्लूक। सिस्टोमा ऑल्सो नोन एज द ब्लड फ्लूक एंड सिस्टोमा हैज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिस्टोमा इज द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म।
नेक्स्ट वन इज द टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीनिया सोलियम के दो तीन फोदर पॉइंट आपको ध्यान रखने। पहला पॉइंट, टीनिया सोलियम इज ऑल्सो नोन एज द पोर्क और पोर्क टैप वर्म, ठीक है। टीनिया सोलियम को और क्या कहते हैं, पोर्क टैप वर्म कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, टीनिया सोलियम की बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक और स्ट्रोबलाई या प्रोगोलिड, प्रोगोलोटिड्स, प्रोगोलोटिड्स या स्ट्रोबलाई। इसके अलावा टीनिया सोलियम कि जो फीमेल है उसकी यूट्रस में मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है। कौन से ग्लैंड पाई जाती हैं, मेहलीज ग्लैंड, किसकी यूट्रस में, टीनिया सोलियम की यूट्रस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके जो होस्ट हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का होता है मैन, सेकेंडरी होस्ट टीनिया सोलियम का है पिग। प्राइमरी होस्ट के अंदर यानी कि मैन के अंदर टीनिया सोलियम का कौन सा लार्वा होता है, सिस्टी सर्कस, कौन सा लार्वा होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस। तो ये हमको ध्यान रखना है कि भाई टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट कौन है, मैन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, पिग है। प्राइमरी होस्ट के अंदर कौन सा लार्वा, सिस्टी सर्कस, सेकेंडरी होस्ट के अंदर कौन सा लार्वा, ओंकोस्फेयर, कौन सा लार्वा, ओंकोस्फेयर, ओंकोस्फेयर। इसके अलावा और कौन कौन से लार्वल स्टेज होती हैं टीनिया सोलियम में, तो हेक्जोकैंथा और ब्लेडर वर्म, हेक्जोकैंथा एंड ब्लेडर वर्म। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्राइमरी होस्ट कौन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है। इसके अलावा ये कौन सी बीमारी पैदा करता है, तो सिस्टी सर्कोसिस। तो पूछे भाई सिस्टी सर्कोसिस डिजीज का कोजिंग एजेंट क्या है, तो टीनिया सोलियम इज द कोजिंग एजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लेटी एलमेंथीज, मोनोजिया। मोनोजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मोनोजिया एंडोपैरासाइट होता है किसके एलिमेंट्री कैनाल में, रूमिनेंट्स की। तो रूमिनेंट्स के एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा प्लेटी एलिमेंटिस पाया जाता है, मोनोजिया। इसके अलावा टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सेजिनेटा ऑल्सो नोन है द काउ टैप वर्म। तो टीनिया सोलियम इज नोन एज पोर्क टैप वर्म एंड टीनिया सेजिनेटा इज नोन एज काउ टैप वर्म। तो दिस इज प्लेटी एलिमेंटिस। नेक्स्ट वन इज द निमेटोडा और एस्केल्मेंथीज। सबसे पहला पॉइंट, निमेटोडा को मेंबर्स को राउंड वर्म या थ्रेड वर्म, सॉरी राउंड वर्म या थ्रेड वर्म भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, ग्रोपेन ने, या इनकी निमेटोडा या एस्केल्मेंथीज नाम किसने दिया था, ग्रोपेन ने। इनको एस्केल्मेंथीज क्यों कहते हैं, क्योंकि एस्कोस वर्ड से ये बना है, एस्कोस मीन्स होता है कैविटी, और सबसे पहले इनमें सिलोम या कैविटी की शुरुआत माना जाती है, हालांकि ये सीडो सिलोमेटिक होते हैं, मेजोड्रम से कवर नहीं होती। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको क्या क्या कहते हैं, रोटीफर्स भी कहते हैं और निमेटोड्स भी कहते हैं। तो ये पूछ लेगी रोटीफर्स आर द मेंबर ऑफ एस्केल्मेंथीज। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इनका बॉडी प्लान कैसे होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एस्केल्मेंथीज के अंदर। बाकी तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन ग्रेड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कैसे होते हैं, स्यूडोसिलोमिक। तो फर्स्ट फाइलम इन नॉन कोडेटा विच हैव स्यूडोसिलोम, दिस इज एस्केल्मेंथीज। इसके अलावा इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स प्रजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, फेजमिड और एम्फिड्स, फैसमिड और एम्फिड्स कहते हैं। इसके अलावा इनके अंदर अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इनमें सर्कमफेरेंजियल रिंग पाई जाती है, सर्कमफेरेंजियल रिंग। जैसे हमने प्लेटी एलमेंथीज में देखा था क्या प्रेजेंट था, लेटर शेप होता था, यहाँ कैसा है, सर्कमफेरेंजियल रिंग प्रेजेंट है। और इस सर्कमफेरेंजियल रिंग को ब्रेन भी कहते हैं, किसके, एसके हेलमेंथीज के। इसके अलावा अगर बात करें एक्सक्रेटरी ऑर्गन के, तो रेनेट सेल इनके एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी शेप कैसी होती है, एच शेप होती है, रेनेट सेल्स आर इन शेप इन एच लाइक। इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द निमेटोडा। तो आपको बताना है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करने वाला एक प्लेटी हेलमेंथीज ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करने वाला एक प्लेटी एलमेंथीज ऑर्गेनिज्म कौन सा है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर है एस्केल्मेंथीज का, इसमें अगर बात करें तो मेल है वो स्मॉलर होता है फीमेल की तुलना में। इसके अलावा जो उसका कोडल पार्ट है वो क्या होता है, करोड़ होता है। इसके अलावा इस मेल के अंदर पीनियल स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर कोपुलेशन। इसके अलावा मेल के अंदर क्लोएका प्रेजेंट होती है, क्लोएका में ओपन होती है रिप्रोडक्टिव कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल ओपन होते किसमें, क्लोएकम। तो ये तीन चार करेक्टरिस्टिक फीचर आपको ध्यान रखने हैं किसके, निमेटोडा के, जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं।
इसके अलावा नेमेटोडा के लार्वा के अंदर जितनी सेल्स होती हैं उतनी सेल उसके एडल्ट के अंदर भी होती हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं या इस करेक्टरिस्टिक फीचर को बोलते हैं यूटेली। क्या कहते हैं? यूटेली। व्हाट इज द यूटेली? कि नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन लार्वा इज सेम एज वेल एज इन एडल्ट, दिस इज नोन एज द यूटेली। तो यूटेली इज ऑल्सो इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेमेटोडा। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है एस्केरिस। एस्केरिस का लार्वा आपको ध्यान रखना है, एस्केरिस को राउंड वर्म भी कहते हैं। रैबडिटी फॉर्म, रैबडिटी फॉर्म लार्वा है किसका? एस्केरिस का। इसके अलावा एंट्रोबियस, एंट्रोबियस इज ऑल्सो नोन एज पिनवर्म और पिनवर्म एंड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज हुकवर्म एंड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ध्यान रखना है कि पिनवर्म किस में प्रेजेंट है? लार्ज में। और हुकवर्म किस में प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वूचेरिया, वूचेरिया इज ऑल्सो नोन एज अ फिलेरियल वर्म, फिलेरियल वर्म। और ये क्रिएट करता है एलिफेंटियासिस या हाथी पांव रोग। इसका केयरिंग या कैरियर है वो क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। और ये कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? लिम्फ, लिम्फ वेसल्स को इफेक्ट करता है कौन? वूचेरिया। तो वूचेरिया इज मेंबर ऑफ नेमेटोडा। कैरियर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करता है? लिम्फ को। इसके अलावा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल ड्रैकेनकुलस, ड्रैकेनकुलस इज ऑल्सो नोन एज गिनी वर्म और फेरिस प्रेंट और इज इट द कोजिंग एजेंट ऑफ नारो डिजीज। इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन है ड्रैकेनकुलस का? साइक्लोप्स, साइक्लोप्स इंटरमीडिएट होस्ट है किसका? ड्रैकेनकुलस का। और लास्ट एग्जाम्पल ट्राइक्यूरिस, लास्ट एग्जाम्पल ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एनिलिडा को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टुमारो। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज मिडल लेयर ऑफ यूप्लेक्टिला इज नोन एज, मिडल लेयर ऑफ यूप्लेक्टिला इज नोन एज। सेकंड क्वेश्चन वाउचेरिया अटैक और वाउचेरिया इम्पैक्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वाउचेरिया अटैक और वाउचेरिया इम्पैक्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलेनोसाइट इज द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ विच फाइलम मेंबर, सोलेनोसाइट इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ विच फाइलम मेंबर। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म, मेटाजेनेसिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच सिलेंट्रेटा ऑर्गेनिज्म। तो आई होप यू रेस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल।